बहुजन समाज के बाहुबली नेता योगेश वर्मा अपनी एक मीटिंग में कहा और जनता के सामने मोदी और बहन जी के कार्यों को गिनवाया और पूछा कि आप बताएं कौन सबसे बेहतर नेता है और किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, इस वादे को देश ने भरोसा किया और 30 साल में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जीएसटी जैसे कदमों को जिनको माफ नहीं करेगी जनता, घर घर में परेशानियों का सैलाब आ गया। मोदी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने को कहा था, वो कहां पर है अभी तक नहीं उठा। खासकर विजय माल्या, पीएनबी का करोड़ों रुपए का घोटाला। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी मेहुल चौकसी द्वारा फाड़कर बैंकों को चूना लगाने में विदेशी भाग जाने के बाद उसके बाद तमाम बैंकों को कारोबारियों को लोन लेकर फरार हो जाने को किसने मदद करी। नीरव मोदी को उन्होंने छोटा मोदी कहते हुए कहा। उन्होंने कहा कि विदेशों से काला धन लेके आने वाले थे, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मोदी के गुण आज सारे लोग जानते हैं इसलिए सारे देश की जनता उनसे परेशान है। उन्होंने कहा कि बहन जी के मैं आपको कुछ छोटे से कार्य बताऊंगा जिनको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि देश के अंदर कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती का मूर्ति लगाना जो लोगों को पहले समझ में नहीं आया था और बाद में समझ आ गया कि उन्होंने 100 करोड़ की मूर्ति लगवाई लेकिन उन्होंने एक भी रुपया विदेश में नहीं जाने दिया, उससे लोगों को रोजगार मिला, उससे लोगों को कार्य मिला और पर्यटक को बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं पूरे देश को एक इतना सुंदर पार्क मिला जिसमें इतिहास की धरोहर नजर आती है। उन्होंने कहा कि आज उससे टूरिज्म प्लेस से लाखों करोड़ रुपए सरकार को फायदा हो चुका है। उन्होंने मोदी सरकार को घिरते हुए कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के बाद उनके चौकीदार, किराएदार, उनके लोगों तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार से। उन्होंने कहा कि 2007 में जब मायावती यूपी में सत्ता संभाली थी तो पिछला बजट 80,000 करोड़ का था और 2012 में मायावती ने सत्ता छोड़ी थी तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का था। तो ये देश के अंदर उपलब्धियों का काम है। अगर बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो देश के अंदर सोने की चिड़िया बनने से देश को कोई भी नहीं रोक सकता है। बहन जी के कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा देश के अंदर लखनऊ चमकाया, नोएडा एक्सप्रेसवे चमकाया, पहली बार देश को इतनी ऐतिहासिक रोड दी जिससे दिल्ली से लखनऊ तक का नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे दिया, Formula 1 ट्रेन दिया, किसानों को उनकी मर्जी का मुआवजा दिया, बिजली उत्पाद 5 साल में 3500 मेगावाट से 8000 मेगावाट पहुंचा दिया। उन्होंने बहन जी के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि उन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, कभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा जाकर देखिए। इसलिए मायावती जैसी देश के अंदर प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है और मैं बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस सत्ता का टिकट दिया। उन्होंने कहा कि 27 नए जिलों का गठन किया तो 27 नए जिला अस्पताल, 27 नए जिला सत्र बनवाए। ये काम देश के अंदर सिर्फ एक भावी नेता ही करवा सकता है जिसने देश को चलाने की कसम खाई हो, ना कि देश को बेचने की। आज सारा देश मोदी से परेशान है और चौकीदार चोर के नाम से पूरा देश के अंदर उद्घोष हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो देश के अंदर से सारे गुंडे अपने आप भाग जाते हैं, लॉ एंड शासन चालू हो जाता है और ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता जानती है। उन्होंने कहा कि जब 1995 की सरकार में अपने मात्र 4 महीने के शासनकाल में 7 लाख एकड़ की जमीन के पट्टे भूमिहीनों को दिए, उनके बाद हर शासन पे आंकड़ा और बढ़ा, इसलिए आयरन लेडी मायावती ही देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज ही नहीं, जब देश की प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी तो पूरे देश को गर्व होगा क्योंकि उनको विदेशों से भी आयरन लेडी का खिताब मिल चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।